नमस्कार, मैं हूं मनोज लांबा और आप देख रहे हैं टैक्स की पाठशाला। जैसा कि आपको मालूम है, कल माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने वित्त वर्ष 18-19 के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। इसमें देश की अर्थव्यवस्था को सही पटरी पर लाने के लिए बहुत से कदम उठाए गए, बहुत सारे टैक्स बदलाव किए गए। बींग ए टैक्स प्रोफेशनल, बींग ए टैक्स कंसल्टेंट, बींग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी आर मच कंसर्न्ड विद द टैक्स प्रपोजल्स प्रपोज्ड बाय दी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। थ्रू दिस वीडियो वी विल डिस्कस वन बाय वन विच चेंजेस आर मेड बाय ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर इन करंट टैक्सेशन सिस्टम। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कर में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। जब भी कोई यूनियन बजट आने वाला होता है तो सबसे पहले आम जनता की डिमांड होती है कि पर्सनल टैक्सेशन में क्या बदलाव आएगा। इस बार वित्त मंत्री न्यूनतम कर सीमा को कितना इन्हांस करेंगे, कितना बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा पहले दोस्तों आपको कि इस बार वित्त मंत्री ने आम जनता को, मध्यम वर्ग को निराश किया है, क्योंकि इस बार जो इनकम टैक्स की न्यूनतम स्लैब है, जहाँ तक कि कोई कर नहीं लगता है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, उसे पिछले वर्ष के जैसा ही रखा गया है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना कि सार पर्सनल कर की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ हुआ है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, पहले आपकी कर की जो लाइबिलिटी बनती थी उसके ऊपर 3% सेस लगता था, एजुकेशन सेस और सेकेंडरी एजुकेशन सेस 2% और 1%, जो कुल मिला के 3% होता था। इस एजुकेशन सेस को अब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का नाम दे दिया गया है और इसे 1% से बढ़ाकर 3% की बजाय 4% कर दिया गया है। यानी आपकी कर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया, आपकी कर लायबिलिटी के ऊपर 1% का एडिशनल बर्डन डाला गया है। अब बात करते हैं इंडिविजुअल टैक्सेशन में, पर्सनल टैक्सेशन में कोई बदलाव नहीं आया है। क्या कंपनियों के टैक्सेशन में कोई बदलाव आया है? जी हाँ, कंपनियों के लिए इस बार झूमने की बात है। कंपनियों के लिए बहुत बढ़िया बदलाव किया गया है। कंपनियों के ऊपर टैक्स रेट को वर्ल्ड लेवल पर निर्धारित किया गया है, इसे कॉरपोरेट लेवल ने बहुत ज़्यादा स्वागत किया है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, कंपनियों पे पहले 30% की दर से कर लगता था, जो पिछले हाल है कुछ कंपनियों के लिए 29% हो गया था। इसे बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करते हुए गवर्नमेंट ने इस बार प्रपोजल दी है कि ऐसी सभी कंपनीज जिनका सालाना टर्नओवर 250 करोड़ रुपए से कम है, उन पर मात्र 25% की दर से टैक्स लगेगा। यानी 30 से 25 सीधी 5% की छूट दोस्तों। 5% की छूट बहुत बड़ी छूट है और यह छूट 99% कंपनियों को लाभान्वित करेगी। 99% कंपनीज ऑफ इंडिया विल गेट बेनिफिट ऑफ दिस प्रपोजल इफ इम्प्लीमेंटेड, इफ अडोप्टेड बाय द लोकसभा एंड बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड गिवन द असेंट ऑफ प्रेजिडेंट। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, 99% कंपनी इससे लाभान्वित हो रही हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बदलाव से गवर्नमेंट क्या चाहती है। गवर्नमेंट इस समय कॉरपोरेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। अभी आपने देखा कि 30% है घटाकर कर सीधा 25% कर दिया गया है। इस 25% टैक्स का क्या प्रभाव रहेगा? अब आप देखते हैं कि LLP पे, पार्टनरशिप फॉर्म पे आज भी 30.90% पहले टैक्स लगता था, अब 4% सेस हो जाने से वो 31.20 टैक्स लगा करेगा। जबकि कंपनियों की दशा में 25% और 4% एजुकेशन सेस पे हम ऐड कर दें तो इफेक्टिव टैक्स रेट जो है वो 26% की आएगी। तो गवर्नमेंट अब चाहती है कि जितना भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है,
चाहे वो पार्टनरशिप फर्म के रूप में है, चाहे वो LLP की तरफ में है, चाहे हम इंडिविजुअल की बात भी करें, तो वहाँ पे भी हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट 30% की है, जो एजुकेशन सेस मिलाने के बाद 31.20% हो जाती है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा हिंदुस्तान का अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस सेक्टर अब बिजनेस सेक्टर की तरफ, अब ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस सेक्टर में कन्वर्ट हो। शायद इसी दशा को देखते हुए, शायद इसी विजन को देखते हुए 26 जनवरी 2018 को माननीय प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया, जिस ऐलान में ये कहा गया कि 10 लाख रुपए तक की ऑथोराइज्ड कैपिटल तक की कंपनियां अब बिना किसी इनकॉर्पोरेशन फीस से एक सरलीकरण प्रक्रिया द्वारा रजिस्टर्ड की जाएंगी। यानी कंपनी बनाना भारत में कभी भी इतना आसान नहीं था जितना कि अब है। गवर्नमेंट आज बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है, वो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस को ऑर्गेनाइज्ड करना चाहती है, अनरजिस्टर्ड एंटिटीज को रजिस्टर्ड एंटिटीज में बदलना चाहती है, एक नेम एंड फेम को बढ़ाना चाहती है कि विदेशी लोग, विदेशी व्यापारी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FDIs भारत को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। और ये तभी होगा जब हम कॉरपोरेट प्रक्रिया को सरल से सरल बनाएंगे, और ये इसी दिशा में उठाएंगे कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं। रिलैक्स्ड टैक्स यानी 25% और बिना किसी फीस से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, यह दर्शाता है कि भारत अब कॉरपोरेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, मेरा भारत बदल रहा है। तो यहाँ पे मैं दो बदलाव मैंने आपसे डिस्कस किए कि पर्सनल टैक्सेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, एजुकेशन सेस लगाया गया है, और कंपनियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। इसके अलावा कुछ और बदलाव जो आम जनता के लिए लाभकारी हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। सैलरीड एम्प्लाइज, वेतन भोगी कर्मचारी, हमेशा है डिमांड रही है कि सर हमें कोई छूट नहीं मिलती, जबकि बिजनेस मैन को सभी बिजनेस से रिलेटेड खर्चे जो बिजनेस के कनेक्शन में हुए हैं उनकी छूट प्रदान की जाती है, लेकिन वेतन भोगी कर्मचारी कोई भी खर्चा करता है तो उसे किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाती। कई साल पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रावधान था, जिसमें 1/3 ऑफ सैलरी स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में अलाउड होती थी। ये डाटा जो वेतन भोगी कर्मचारियों की डिमांड है, इसलिए वित्त मंत्री ने अपनी बजट स्पीच में डिस्कस भी किया, जिसमें यह बताया गया कि 1.89 करोड़ वेतन भोगी कर्मचारी इंडिविजुअल सैलरीड एम्प्लाई, लगभग 1.88 करोड़ का टैक्स देते हैं, जो एवरेज 76,000 रुपये पर एम्प्लाई आता है। इसे अगर हम बिजनेस इंडिविजुअल से कंपेयर करें, जो बिजनेस की रिटर्न भरते हैं, वो संख्या भी लगभग 1.88 करोड़ है, लेकिन उनकी जो एवरेज टैक्स की पेमेंट आती है लगभग 26,000 रुपये आती है। तो दोस्तों, देर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टैक्स पेमेंट मेड बाय सैलरीड एम्प्लाइज एंड मेड बाय द बिजनेस इंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल बिजनेस इंटरप्रेन्योर, इंडिविजुअल बिजनेस इंटरप्रेन्योर, देर इज ऑलमोस्ट डिफरेंस ऑफ 2 टाइम्स। दे आर पेइंग 26,000, दे आर पेइंग 76,000 एवरेजली। तो गवर्नमेंट ने इस बात को स्वीकार किया है और कह रहे हैं कि अब से हम ईमानदारी का उत्सव मना रहे हैं। वित्त मंत्री ने बजट स्पीच में यह बोला कि अब हम ईमानदारी का उत्सव मनाएंगे। इसी को स्वीकारते हुए और इसी दिशा में और सुधार करते हुए उन्होंने वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को वापिस ला दिया है। यह स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपये पर वर्ष आपको मिलेगी, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लाई है, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लाई है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर एम्प्लाई है, चाहे वो कहीं और कार्यरत है। बिना किसी सैलरी की सीमा के हर एम्प्लाइज को 40,000 रुपये सालाना या उसकी सैलरी के अमाउंट तक यह छूट उसे मिलेगी। लेकिन वित्त मंत्री ने एक हाथ से दिया तो दूसरी तरफ थोड़ी सी कंजूसी करके, इससे पहले वेतनभोगी कर्मचारियों को 15,000 रुपये की मेडिकल रीइंबर्समेंट और 19,200 रुपये का, 1,600 रुपये पर मंथ के हिसाब से ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता था। इस
अलाउंस को, दोनों अलाउंसों को, ट्रांसपोर्ट अलाउंस को और मेडिकल रीइंबर्समेंट को वापिस ले लिया गया है। यानी 40,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपको मिली है, लेकिन ना अब आपको 19,200 का ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, ना 15,000 रुपये की मेडिकल रीइंबर्समेंट मिलेगी। यानी नेट जो आपके हाथ में आएगा 40,000 आएगा, 34,200 जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपके हाथ में जो इफेक्टिव बचत आएगी वो 5,800 की आएगी। अगर 5,800 से जो भी आपकी टैक्स स्लैब बनती है उतनी आपकी ग्रोस टोटल इनकम कम हो जाएगी। तो यह एक सैलरीड के लिए, एम्प्लाई के लिए बदलाव था जो मैंने आपसे साझा करना चाहा। इसके अलावा काफ़ी सारे बेनिफिट्स प्रदान किए गए हैं सीनियर सिटीजन्स को। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए जो बदलाव किए गए हैं उनमें से मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हैं। एक बदलाव है सेक्शन 80D में। सेक्शन 80D डील करता है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में पहले कोई अपने पेरेंट्स का अगर बीमा कराता था तो उसे 30,000 रुपये तक की छूट मिलती थी। अब इस छूट की सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल या HUF अपने किसी सीनियर सिटीजन पेरेंट्स का बीमा कराता है तो उसे कर में छूट मिलेगी और यह छूट 50,000 रुपये तक होगी। यानी 30,000 को बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। यहाँ पर यह भी मैं बताना चाहूँगा, पहले वेरी सीनियर सिटीजन ऐसे कर होगी जो 80 साल से ऊपर हैं, अगर उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं भी भरा है या उन्होंने मेडिकल के ऊपर पैसे खर्च किए हैं तब भी उन्हें ये डिडक्शन मिल जाती थी। अब वेरी सिटीजन के क्लॉज को ख़त्म करके इसे सीनियर सिटीजन पर एप्लीकेबल कर दिया गया है। अब चाहे सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है या वेरी सीनियर सिटीजन है, दोनों बिना मेडिकल इंश्योरेंस कराए भी सेक्शन 80D का बेनिफिट्स ले पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपने कोई सिंगल प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, वो हफ्ते 45,000 रुपये दिए हैं और 3 साल का इंश्योरेंस ले लिया है, तो ऐसे में आपको प्रोपोर्शनेट 15-15,000 रुपये की छूट 3 असेसमेंट में, ईयर्स में मिलेगी। इसके अलावा एक सेक्शन था सेक्शन 80DD-B, जो मेडिकल इंश्योरेंस पे होने वाले खर्च, मेडिकल पर होने वाले खर्च का आपको अलाउंस का डिडक्शन प्रदान करता था। सेक्शन 80DD-B में जो सीनियर सिटीजन के लिए 60,000 पर एनम था और वेरी सीनियर सिटीजन के लिए 80,000 पर एनम था, इसे बढ़ाकर 1,00,000 रुपये पर एनम कर दिया गया है। दोस्तों इसके अलावा सीनियर सिटीजन का सम्मान करते हुए, उनको मान देते हुए वित्त मंत्री ने उन्हें एक और तोहफा दिया है और ये तोहफा है सेक्शन 80TT-B के रूप में। जी हाँ दोस्तों, पहले सेक्शन 80TT-A सेविंग बैंक इंटरेस्ट अगर आपका 10,000 रुपये तक है तो सेक्शन 80TT-A के तहत आपको 10,000 रुपये तक की छूट मिलती थी। अब इस छूट का दायरा बढ़ाते हुए उन्होंने कहा है कि अगर कोई पर्सन सीनियर सिटीजन है, उसे चाहे बैंक डिपॉजिट से ब्याज आ रहा है, चाहे पोस्ट ऑफिस से डिपॉजिट से ब्याज आ रहा है, चाहे किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिपॉजिट पे ब्याज आ रहा है, चाहे सेविंग बैंक ब्याज आ रहा है या किसी तरह के डिपॉजिट पे भी कोई ब्याज आ रहा है, तो उसकी 50,000 रुपये की डिडक्शन होगी। दोस्तों 10,000 से सीधे 50,000, 5 गुना बेनिफिट एक बार में ही, तो 5 गुना कर दिया है दोस्तों। सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्शन देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, सोशल सिक्योरिटी देने के लिए वित्त मंत्री ने 10,000 की लिमिट को बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। अब जो वृद्ध लोग हैं उन्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है, उनके 50,000 रुपये तक की अगर ब्याज की आमदनी भी है तो उसे कर सीमा में शामिल नहीं किया जाएगा, कुल टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, बैंक इस FD डिपॉजिट के इंटरेस्ट के ऊपर या RD के इंटरेस्ट के ऊपर आपका कोई TDS नहीं काटेगा अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम 50,000 रुपये तक है। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा विचार है, क्योंकि जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं या है कर्मचारी हैं जो वृद्ध हो चुके हैं, जिन पे बैंक डिपॉजिट के अलावा आय का कोई स्रोत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि उन्हें रेगुलर इनकम पे एक तो ब्याज दरें बहुत घट गई हैं, एक उन्हें जो ब्याज मिलता है वो भी कर का स्रोत
पर कटौती होने के बाद मिलता है। जो उनके हैंड में राशि आती थी वो बहुत कम आती थी, तो वित्त मंत्री ने बुजुर्गों का सम्मान करते हुए ये एक वेलकम स्टेप किया है, जिसे सभी वरिष्ठ नागरिकों को सराहना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और एक वेलकम स्टेप मानते हुए वित्त मंत्री की पीठ ठोकनी चाहिए कि पहली बार बुजुर्गों के लिए कुछ अच्छा सोचा गया है। इतना ही नहीं, सीनियर सिटीजन का फर्दर सम्मान करते हुए LIC की एक योजना थी जिसमें हमें फिक्स्ड 8% इनकम मिलती थी और उसमें वरिष्ठ नागरिक 7.5 लाख रुपए तक जमा करा सकते थे और 8% फिक्स सालाना इंटरेस्ट करा सकते थे विदाउट एनी इंटरेस्ट फ्लक्चुएशन। इस सीमा को बढ़ाते हुए 7.5 लाख रुपए की अब 15 लाख रुपए कर दिया गया है। अब कोई भी वरिष्ठ नागरिक 7.5 लाख की बजाय 15 लाख रुपए इस स्कीम में कंट्रीब्यूट करके इसका लाभ उठा सकता है। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बदलाव थे जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से शेयर करने चाहे। अगर आपको ये बदलाव अच्छे लगे हैं, ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बुजुर्ग इसका फ़ायदा उठा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए नमस्कार।